पवर टीवी इलेक्शन सेंटर नेलमंगल विधानसभा क्षेत्र चुनाव पूर्व समीक्षे नड़ीता है। कॉल माड़ी ओट माड़ी अभियान के उत्तम रेस्पॉन्स लभ्य आगता है। बेगे 9:30 गंटे तनक नेलमंगल क्षेत्र समीक्षे नड़ीते नेलमंगल विधानसभा क्षेत्र मतदाररु करेयन्नक तम आय्केता है। मध्यान 12 गंटे तनक कूड़ा अवकाश इत करे गंटे नेलमंगल विधानसभा क्षेत्र फलितांश ऐन अब प्रकट आगते जे डी एस कांग्रेस के सेड हड़ियता बीजेपी अवंत कुतूहल है। बेंगलूरु ग्रामांतर जिले नेलमंगल तालूकुगे सिलिकॉन सिटी बेरेत है। साकु प्रतिष्ठीय कण आगे यह बारी यारे हैं मत सिगते कुतूहल सहजवा मन सद के नेलमंगल विधानसभा क्षेत्र मतदार उत्तम रेस्पॉन्स को करयक मतटेल को नम प्रतिनिधि नेर जॉन आगता है। रामांजी रामांजी गमनबू नेलमंगल विधानसभा क्षेत्र चुनाव पूर्व समीक्षे नेलमंगल विधानसभा मतदार करयक तम आय्कता बारी चुनाव रणकण यी नेलमंगल बेंगलूरु ग्रामांतर जिले नेलमंगल विधानसभा क्षेत्र चुनाव यह बारी साकु रणकण अद्दीन क्षेत्र आगे अंतर बेंगलूरु हत्र अंगलूर सिलिकॉन सिटी राज्य राजधानी अंत सिलिकॉन सिटी जो बेरत बेंगलूरु ग्रामांतर जिले नेलमंगल विधानसभा क्षेत्र इलीवर्गू ऐन कांग्रेस जे डी एस निके अंद्रे कांग्रेस जे डी एस बहुत इले आड़ नडस 2008 बारी बीजेपी इले तम आड़ नडसते अदा नर मूरने स्थानीय बीजेपी तन स्थान मुंदे अंतारू सह बहुत कांग्रेस जे डी एस इले प्रबल इबर नदे पैपोटी नड़ीवंत अंद्रे अदर नदेनो बीजेपी नु सह तम पैपोटी इन आकांक्षी मुंदे ऐन एंटू बारी ऐनो विधानसभा चुनाव स्पर्धे नडस्तर कांग्रेस स्पर्धे मुड़ अंजना मूर्ति बारी धु बारी सचिव आगे सह बारी कांग्रेस आकांक्षी सह आगे सह कांग्रेस पक्ष दल ऐन और नानु प्रबल आकांक्षी बारी नन टिकेट पे अंत अंजना मूर्ति ऐनो कसरत मुंदर इन कड़े एर बारी जे डी एस न जे डी एस शासक डाक्टर श्रीनिवास मूर्ति ल साधी मूरने बारी ऐन बारी अधिकृत अभ्यर्थिया घोषणा आगे सह आर्थिक आर्थिक ऐलिए सह मुंदर इन बीजेपी सह आकांक्षी इले अम अभ्यर्थ आकांक्षी टिकेट क्या पैपोटी नडस्ता है। दोड्डेरी वेंकटेश मत्तु इन्नोब्रु कंदाय इलाके माजी ऐन अधिकारी इल्लू सह बीजेपी आकांक्षी इले तम टिकेट पैपोटी नडस्तर अंद्रे ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತರ ಈಗಾಗಲೇ 10ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿಗಳು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ। ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲಿ 3 ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಎರಡು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ। ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡು ಸಹ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದೆ। ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದೆ। ಈ ಬಾರಿ ಮೂರು ಸಹ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನು ಕಾಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಲೀನಾಶ್ರೀ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಮಾಂಜಿ।